हेलो एंड वेलकम टू दिस सशक्त निवेशक की जो सीरीज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तुत, उसमें आप सबका बहुत स्वागत है। आज मैं एक लेजेंड को लेकर आया हूं आपके साथ, जिनको मैं पर्सनली 3 दशक से ज्यादा से सुनते आया, जिन्होंने अपनी शायद पूरी जिंदगी अपनी जो भी नॉलेज उन्होंने गैदर की थी वो सबके साथ शेयर करने में निकाली। चेयरमैन है, को फाउंडर है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रामदेव अग्रवाल, लेकिन उससे भी ज्यादा जहां तक मैंने देखा है कि भारत में अगर किसी एक इंसान ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिससे वेल्थ बनती है, उसके बारे में बात की है और उसे प्रैक्टिस किया है अपनी जिंदगी में, वो है रामदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव जी आने के लिए। और ये जो पॉडकास्ट सीरीज है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कोशिश है कि जो यंग हमारे सुनने वाले हैं, जो आजकल पॉडकास्ट प्रेफर करते हैं, यंग लोग दौड़ते हैं तो माइक पे अपने ईयरफोन पे लगा के सुनते हैं, तो टेलीविजन पर तो आपसे बहुत बार बात हुई, पॉडकास्ट पे आज पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बुलाने के लिए। रामदेव जी, आप बहुत ही एक मॉडेस्ट किस्म के इंसान है, ज्यादा अपने बारे में बात करते नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक चीज मैंने हमेशा नोटिस की कि जब भी आपसे मिला आप कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन फेंक देते थे पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि अगर इतनी कंपाउंडिंग हुई विवेक तो कितनी रकम बनेगी, और मैं हर बार गलत था। तो आज आपसे जो एक्चुअली टॉपिक था वो ये था कि जो इकोनॉमिक रिसेशन होती है, डाउनटर्न जब आते हैं, आज हम जैसे ग्लोबल वर्ल्ड में देख रहे हैं, और आपने तो अपने जीवन में कई अप्स एंड डाउन्स साइकल्स देखी है, उससे हम उसमें उलझ जाते हैं, ये डाउन हो रहा है, ओह ये डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि हम जो ये कंपाउंडिंग की स्टोरी है वो छोड़ देते हैं, डर के मारे निकल जाते हैं। और आपके फर्म की जो टैगलाइन है वो है बाय राइट सिट टाइट, तो ये जरा समझाइए कैसे ये आपने कॉइन किया। सी, एक तो पहली बात ये समझिए विवेक जी के ये रिसेशन और जो ना सब ये केन्स और आगे सब जो अमेरिका, सी बेसिकली अमेरिकन थॉट प्रोसेस से आया हुआ है। वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपांशन होता है और कंट्रेक्शन भी होता है। सो जो कंट्रेक्शन होता है उसको रिसेशन बोलते हैं, इकोनॉमिक कंट्रेक्शन। अभी फिर से जो बात चल रही है कि रिसेशन आए, इंडिया में कोई रिसेशन और नहीं होता है। यहाँ का रिसेशन 5% ग्रोथ, 4% ग्रोथ, 4-5% ग्रोथ हुआ तो मतलब सी हमारा एवरेज क्या है, 6-6.5-7% होता है। बहुत अच्छा हुआ, 4 बस्टर हुआ तो 8-9% बन गया एक आध साल के। तो यहाँ रिसेशन मतलब निगेटिव कुछ नहीं होता है, इकोनॉमी स्टॉल नहीं होता है। तो आप फास्ट ग्रोथ की बात करिए या स्लो ग्रोथ, रिसेशन इन इंडिया इज स्लो ग्रोथ, तो उससे दुनिया का नहीं होने वाला है। रिलायंस है, HDFC है, SBI उतने पैसे कमाने वाले हैं, ठीक है इस साल ग्रोथ 15% था, अगले साल ग्रोथ 10% हो जाएगा, 8% हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा डूबने डुबाने वाला काम नहीं है, ये अलग टाइप की इकोनॉमी। तो आप हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, मेरे को ग्लोबल अमेरिका में कैसे करने का होगा मेरे को पूछने वाला, बट मेरे को मालूम है इंडिया में रिसेशन नाम की चीज नहीं है। और उसी कारण से क्या है, यहाँ के बिजनेसेस जो है दे डोंट ब्रेक डाउन, सी दे ब्रेक डाउन फॉर सम डिफरेंट थिंग, ओवर लिवरेज हो गया, मिस एलोकेशन हो गया, कुछ गलत एक्विजिशन हो गया, गलत मैनेजमेंट हो गया, कमोडिटी मार्केट बस्ट हो गया, या कुछ एक हो सकता है। तो वो एक कंपनी स्पेसिफिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो सकता है, बट इकोनॉमिक वाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। सो एवरी डे अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चलाते हैं, चलो आपका एविएशन स्टॉक बहुत खराब हो गया, ठीक है यार 5% का 2-3% लग जाए, लेकिन मेरे पास 95% तो है जिसमें मेरे पास बैंकिंग है, मेरे पास कंज्यूमर है, मेरे पास टेलीकॉम है, मेरे पास IT है, सब अच्छा चलता है। तो ये तो एवरग्रीन मार्केट है, कभी कम ग्रीन होता है, कभी ज्यादा ग्रीन होता है, बस इतना ही है। तो उसी कारण से मैं बोलूं कि पहले आप पर्सपेक्टिव सही करें, डरने की जरूरत ही नहीं है। और ये तो अभी तो अमृतकाल चालू हुआ है, और अमृतकाल मैं पॉलिटिकल वर्ड में ही बोलूं, एक्चुअल अमृतकाल चालू हुआ है। मेरे 40 साल के समझ में ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन कभी देखा ही नहीं मैंने। ये बात अलग है कि बाजार में भाव उसके रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट जो आज इकोनॉमी की जो हालत है, चाहे आप कॉर्पोरेट बैलेंस शीट देखिए, सब डिलीवर्ड, किसी को बोरो नहीं करने का है,
बैंक्स कंप्लीटली क्लीन अप लाइक प्रिस्टीन क्लीन, इक्विटी मार्केट्स ऐसा, मतलब आप समझिए ये जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट है अभी वो है आपका जो पार्टिसिपेशन जो हो रहा है। अब पार्टिसिपेशन इजी केवाईसी कारण से हो रहा है, फिनेंशियल एजुकेशन कारण से हो रहा है, अच्छे रिटर्न से कारण से हो रहा है, मल्टीपल थिंग्स कमिंग टुगेदर। म्यूचुअल फंड अच्छा है, वो जो कंपेन चला है उसी कारण से हो रहा है। सो सब तरीके के तरीके से आप समझिए आपका सेविंग्स होता है करीब 30% ऑफ जीडीपी, उसमें कॉर्पोरेट सेविंग, हाउस सो हाउस होल्ड सेविंग होता है करीब 20-21%, उसमें फिनेंशियल सेविंग्स अबाउट 5-6%। उस 5-6% में भी इंश्योरेंस पीएफ वो सब आता है, 1% से कम सेवा में आता है। अब इतना पार्टिसिपेशन हो रहा है, पहले 40 मिलियन से ये थे डीमैट अकाउंट, अभी 130 मिलियन हो गए। मेरे को लगता है वी हेडेड फॉर 250 to 300 मिलियन नेक्स्ट 7-8 ईयर्स, मे बी वन अर्लियर। ये 3-4 मिलियन हर महीने आए तो काम बहुत जल्दी रहेगा। सो क्या बॉटम ऑफ द मार्केट इज जस्ट बिकमिंग टू बिग, नाउ देश पार्टिसिपेट कर रहा है, 25,000, 50,000, लाख रुपया, लेकिन देश पार्टिसिपेट कर रहा है। अब बड़े बड़े सर्टोरियों की जरूरत नहीं है, एफआई की जरूरत नहीं है, बुन बुन से, मतलब एक मतलब जैसे गंगोत्री चालू हुआ, आप छोटी नदी बन चुके हैं, अभी गंगा बनेगा, फिर गंगा से जो है ना तूफानी गंगा बनेगा, तो सामने सुनामी है कैपिटल का। तो ये कभी नहीं हुआ है 2020 के पहले तक, इक्विटी कैपिटल की शॉर्टेज थी। अच्छा इक्विटी शॉर्ट है तो आपका डेट भी शॉर्ट है। अब क्या है, इक्विटी इज मोर देन यू कैन हैंडल। यदि इक्विटी बहुत बढ़िया है तो बैंक्स आर देयर टू लेंड यू, ग्लोबल सब ग्लोबल वाले यहाँ पर बैठेंगे, पूरे दुनिया के कैपिटल हल पर है, आपको पास इक्विटी है, आपको घुमा फिरा के पैसे दे देंगे, 1% आगे पीछे मिल जाएगा। तो अब इंटरप्रेन्योर को खड़ा होने का है, और ये इंटरप्रेन्योरियल इकोनॉमी, तो इंटरप्राइजेस विल राइज, तो ये इकोनॉमिक रिसर्जेंस हो रहा है। ये आपको दिखेगा साल 6 महीने, आप देखिए जस्ट 12 महीने के बाद देखो आप इसका इफेक्ट कैसे, ये जो पूरा जो चेंज है अंदर अंदर इनविजिबल चीज दैट इज गोइंग टू बिल्ड एंड दैट विल शो अप इन द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। एट द मोमेंट कॉर्पोरेट अर्निंग बिल्ड्स अप मार्केट्स विल फॉलो। तो ये जो है ना एक मेरे ख्याल से जो जो ट्रेंड इंडिया के लिए, जो चाइना के लिए ट्रेंड बना 2000 से 2000 के बीच में, इंडिया का 2020 से वो हैंडओवर है, रिले रेस है चाइना टू इंडिया, ऐसा मुझे ये मेरी समझ से लग रहा है। रामदेव जी, जब आप ने अपना करियर शुरू किया, या जब मैंने किया, आपके बाद किया, लेकिन रफली उसी जनरेशन के थे, तो मुझे याद है कि पहली बार जब आपसे बात की तो आप बहुत नाराज इस बात से थे कि हम भारतवासी अपने शेयर बाजार में नहीं इन्वेस्ट कर रहे, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वो सब आ रहे हैं। वो आ रहे हैं। और पिछले 20-25 साल से अगर हम देखें, क्योंकि अब एक ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है, तो हम कई स्कीम्स देखते हैं म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने 20% से भी अधिक कंपाउंडेड रिटर्न दिए। हालांकि हम हमेशा यही कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा हो। ना ही मैं कभी आपसे कभी कोई सेंसेक्स का लेवल पूछा है, ना कभी कोई पूछूंगा, लेकिन ये देख के कई लोग महसूस ये करते हैं कि जो बेस्ट पार्ट था वो खत्म हो गया। लेकिन जब आपको सुन रहा हूं, और आपने क्योंकि 91 का दौर जब भारत ओपन अप हुआ वो देखा है, उससे पहले भी देखा है, क्या आप मानते हैं कि अगले 20, 30, 40 साल, क्योंकि आप तो डेकेड्स में बात करते हैं हमेशा जब भी मैंने की है, तो आप सोचते हैं कि ये जो अगले 20, 30, 40 साल है उसमें बहुत वेल्थ बना सकते हैं हम भारतवासी, अगर हम ठीक पर्सपेक्टिव से, और वो पर्सपेक्टिव कैसे ठीक हो मैं आऊंगा उस पर, लेकिन वेल्थ की अपॉर्चुनिटी है बनाने की एक आम आदमी के लिए। बोलने डर लगता है वे। मैं पहला स्टॉक खरीदा 1980 में जब मैं सी एस स्टूडेंट था, उस समय सेंसेक्स था 100, सेंसेक्स निफ्टी से निफ्टी था ही नहीं, सेंसेक्स 100, आज सेंसेक्स है 67,000। तो मेरे 42-43 साल के कैरियर में इंडेक्स गया है 670 टाइम, दैट टू एक्स डिविडेंड, कम डिविडेंड 1,000 गुना होगा, 1.5% डिविडेंड लगाएंगे कंपाउंड। तो मैंने देखा है 13-14% का इंडेक्स रिटर्न। ये तो आप यदि अच्छे से चलाओगे कम पैसे में, यू कैन सेलेक्ट स्टॉक, छोटे छोटे स्टॉक्स ले सकते हो, डबल भी हो सकता है, मल्टी बैगर भी हो सकता है, ये तो दिस इज अ कंट्री लैंड ऑफ मल्टी बैगर्स। तो ये तो हो गया पीछे 40 साल का। जब मैं अभी देखता हूँ जो इकोनॉमिक कंडीशन, देखिए अल्टीमेटली 140-145 करोड़ जनता है, पर कैपिटल इनकम 2-2.5 हजार डॉलर है, तो वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द
अमन के जस्ट क्रॉसिंग द पॉवर्टी लाइन। अब ये समझिए यहां से अमृत काल चालू है जिसमें आप बोल सकते हैं प्रॉस्पेरिटी तो बहुत बड़ा वर्ड है बट एटलीस्ट गरीबी खत्म हो रही है, समझ। अब जो खाने की भूख नहीं है 80 करोड़ जनता को गवर्नमेंट ही खिला रही है, मालूम ही नहीं पड़ा बजट में। तो अब वो रोटी का काम खत्म हो गया, कपड़े का काम खत्म हो गया, अब रोटी कपड़ा मकान में आ गया, उसके बाद गड्डी। तो ये अब क्या है, अभी तो बहुत, देखिए एवरेज जीडीपी क्या है वर्ल्ड का, एवरेज जीडीपी है करीब $12,000, $100 ट्रिलियन जीडीपी, 8 बिलियन पॉपुलेशन, तो अब 12,500 का पड़ता है, हम 2,500 में, तो 2,500 से 12,500 तो हमारा हक बनता है, वो तो एवरेज है। वो 5 गुना होता है। जब मैं 5 गुना करने जाऊंगा तो मेरे को लगेगा 20 साल 25 साल, तब तक वर्ल्ड का कम से कम डबल तो हो जाएगा। तो अगले 25 साल में जब वर्ल्ड 25 में जाएगा, जो मोदी जी बोलते हैं एडवांस इकोनॉमी, वो एडवांस इकोनॉमी नहीं पहुंच सकते 47, 47 तक भी हम वर्ल्ड एवरेज तक पहुंच गए तो मतलब ऐसा तूफान होगा कोई हिसाब नहीं। तो ये जो इंडिया की जो कहानी है, तो कहानी चालू हुई है, ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेलर के पहले कुछ है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि 670 टाइम्स आपने पीछे 40 साल में कमाया, देर इज नो रीजन टू बिलीव द स्टोरी विल बी एनी लेस एक्साइटिंग इन नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। अब वो 30-40 ईयर्स तो क्या बात करो, पहले तो 1 साल बात करें, फिर 3 साल बात करें, फिर अब उसके लिए क्या है ये, इसको तो आई एम कन्विंस्ड, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मैं तो एक एनालिस्ट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बढ़िया आदमी हूँ, तो मैं तो देखता हूँ, इंडस्ट्री से बात करता हूँ, आप लोग से बात करता हूँ, आई एम ऑब्जर्वेंट, है ना। तो मेरे को ऐसा कोई दिखता नहीं कि जिस कारण से गड़बड़ हो सकता है। इफ एनीथिंग अभी आप देखिए कि मतलब गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट कर ली है भाई आपको चाइना के सामने खड़ा होने, उनके 18 ट्रिलियन के सामने 3 ट्रिलियन करेगा क्या, कितने गोला बारूद चलाओगे, है ही किधर आपके पास, उनके 500 प्लेन के सामने 50 प्लेन, कितना भी अच्छा हो तो क्या करोगे, भूल जाओगे आप, यू हैव टू स्टैंड अप। और इसमें ये बाइपोलर वर्ल्ड में थर्ड पोलर हैज टू बी इंडिया गोइंग फॉरवर्ड, बट ये 25 साल की जर्नी, वो भी बढ़ेंगे, हम भी 7 अगस्त बढ़ रहे हैं, वो 3-4 अगस्त पक्का बढ़ेंगे। तो हम समझ लो 8% के हिसाब से कहो तो समझ लीजिए आप 9 साल में, 8-9 साल में डबल होंगे, से 10 साल में डबल होंगे, 4 ट्रिलियन जीडीपी 8 हो जाएगा। वो यदि 3-4% से किए तो भी 18 साल में, 15-16 साल में वो भी डबल हो जाएंगे, वो 36 हो जाएंगे, तो गैप अभी बहुत बड़ा रहेगा। बट अभी ये इकोनॉमिक चैलेंज है टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड कि भाई हम 7-8% से ग्रो करें, इवन इफ इट इज लिटिल एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन ना। एंड उसी कारण देखिए, उसी कारण पूरा गवर्नमेंट का फोकस ग्रोथ के ऊपर है, जहां से इकोनॉमी 7-6-7% विथ 5% इन्फ्लेशन, 11-12% से कंपाउंडेड ग्रोथ किया, तो ये क्या हो, टेलमेंटेड इकोनॉमी रहता है, ट्रेंडेड इकोनॉमी रहता है। और 15-20-25 साल की जर्नी है, अब 25 साल चलती है, 5 साल चलती है, 50 साल चलती है, तो समय बताएगा। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक एजेंडा में कोई गैप नहीं है, तो कल जाके थोड़ा बहुत पॉलिटिकल डिस्पेंशन हुआ भी इधर उधर, तो इकोनॉमिक एजेंडा कोई फर्क नहीं है, वही इकोनॉमिक एजेंडा, तो देयर इज अ कंटिन्यूटी इन इंडिया। भारत का नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ होगा, आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ विल बी, इंडस्ट्री प्रॉफिट ग्रोथ विल बी 14-15%, तो मेरा हर 5 साल में इंडेक्स डबल हो जाएगा, पी मल्टीपल सेम रखो, फिर उसका एक्टिव मैनेजमेंट का 3-4% से तो 18-20% ही बन सकता है। तो ये क्या है, दिस अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सो मेरे को कोई ऐसा बिलीफ नहीं है, कोई डर नहीं लगता है कि यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ कि पीछे में सब हमने कमा लिए क्योंकि हम लोग राइट टाइम में आ गए थे, पहले आ गए थे और आगे कुछ नहीं बचा है, ऐसा कुछ नहीं, तो शुरुआत है। जब आपने पर्सपेक्टिव की बात की रामदेव जी, तो एक छोटे निवेशक को और मैं खासकर छोटे शहरों के बच्चों की बात कर रहा हूं कि भारत का जो एक छोटे शहरों के जो युवक युवतियां बच्चे बच्चियां सामने आ रहे हैं, सिर्फ मेट्रोस के, अब नहीं है, छोटे टीयर टू सही टीयर थ्री छोटे शहरों के बच्चे, आप कोई भी एग्जाम देखिए, कोई जॉब देखिए, सब में छोटे शहरों के और शायद लोअर इनकम ग्रुप के भी बच्चे सामने आ रहे हैं। तो लेकिन एक जो थिंकिंग है वो यही है, किसी से भी बात करें कि एक्विटी में रिस्क बहुत है, किस बात कर, इससे
यही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पर्सपेक्टिव है आपका। समझाओ सही, कोई कोई रिस्क क्या है, गलत करने में पैसे बनते हैं, ऐसा मार्केट है, पैसे बनते हैं मतलब क्या है, आपको पैसा गंवाते नहीं हो। ये मैं बता रहा हूँ, ये विवेक, ये बहुत सी आप इन्वेस्टर की बात करो आप, सी देर आर देर इज वन प्रॉब्लम इन द मार्केट, रिस्क इज स्पेक्यूलेशन। अच्छा ऐसा नहीं कि आपने डिलीवरी लिया तो स्पेक्यूलेशन, सी आप आपका नजरिया यदि मान लो बहुत जल्दी पैसा कमाने का, आप भूल जाओ ये बाजार में बहुत जल्दी पैसा नहीं, यदि लेकिन आपका समझिए कि भाई मैं 12-15% कमा लू, 15 भी लालच से समझो, 12 समझो, 12 के हिसाब से आओ, 15 का एक्सपेक्टेशन इज नॉट रॉन्ग, बट 15% से ज्यादा कमाना मतलब 5 साल में आपका पैसा डबल होना चाहिए, कंपाउंडिंग 70-50, 5 साल में पैसा डबल होना चाहिए, यदि इस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई माइक लाल हिला नहीं सकता आपको, 6 साल में आपका पैसा पक्का डबल होगा, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो इंडिविजुअल स्टॉक्स की स्टोरी आती है, स्पेकुलेशन स्टोरी आती है, कोई इन्फ्लुएंसर होता है, कोई कहानियां होती है, कहानी तो बहुत होती है, लाख लोग डूब गए और 5 लोग बढ़ गए, और 5 लोग की कहानी सुन के और 10 लाख आते हैं। देखिए स्पेकुलेशन में एक जीतेगा 99 हारेगा, इन्वेस्टमेंट में 99 जीतेगा एक हारेगा, आप डिसाइड करो आप किस साइड रहना। अच्छा दूसरा, ये कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इन्वेस्टिंग इज कॉम्प्लेक्स, लेट मी टेल यू, जितना सिंपल दिखता उतना सिंपल है नहीं, हम CNBC में या इस सब पॉडकास्ट में बहुत सिंपल बनाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग हैज बिकम वेरी सिंपल। हमारे टाइम म्यूचुअल फंड हो गए, अब तो म्यूचुअल फंड हो गए, इंडेक्स फंड्स हो गए, पैसिव इन्वेस्टिंग हो गए, भाई तू 15 लगा, तू इन्वेस्ट करके तू इंडेक्स ही खरीद ले, S&P 500 या निफ्टी का, हर महीने डाल 1000 रुपये, जो 21-22 साल का बंदा है ना जिसको पहला जॉब मिला है 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का, वो जो भी बचता है 10-20 हजार रुपये महीने का, यदि खाली निफ्टी में या सेंसेक्स में ये करे, वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करे अगले 30-40 साल तक, ही कांट काउंट द मनी, आई कैन टेल यू, उससे अगर कोई रिच आदमी होगा नहीं, तो उसके ग्रुप में तो वही रिचेस्ट, क्योंकि तो उसके पास पावर ऑफ कंपाउंडिंग है 40 ईयर्स 50 ईयर्स, 40-50 में क्या होता है, 4:5 कौन नहीं कर सकता। हमारी जेनरेशन में अगर आपको अच्छी नौकरी मिल जाती, सैलरी होती, तो 3 हजार हम सोचते थे कि में हम ने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब आपकी बात सुनता हूँ, पढ़े हैं मैंने आपके काफी लेख, कई बार आपको इंटरव्यू किया है, मुझे लगता है कि आप खुद भी एक सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं। आपने और मोतीलाल ओसवाल जी ने मिलकर साथ एक इतना बड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज कॉन्ग्लोमरेट बनाया, और मैं तो यही समझता हूँ जहां से आप आ रहे हैं कि शायद सैलरी तो आपकी एक रही होगी, लेकिन आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहे, तो शायद 100% उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं हो। मेरा ओडी अकाउंट है, इन्वेस्टिंग इज ओडी अकाउंट, सैलरी से जो बचता है, जो बीवी खर्च नहीं कर पाती, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जाता है, और जिस दिन जरूरत पड़ता है मैं बाजार दिखता नहीं, ज्वेलरी खरीदने का, फर्निशिंग के लिए खरीदने का, ट्रेवल के खरीदने, ट्रॉइट इमोशनलेस, ये कंपाउंडिंग स्टोरी है ना। आपने अपने 40 साल के ऊपर के करियर में कई चीजें देखी, इकोनॉमी तो जैसे आपने कहा कि हम ऐसे एक लेवल पे थे कि हम डी ग्रो कर ही नहीं सकते थे और वैसे ही रहेंगे, लेकिन वॉर हुई, कारगिल की, पोखरान हुआ, इनमें से कई बार तो मैं ही आया आपके पास पूछने के लिए कि क्या होगा, और आपका हर बार यही होता था जवाब कि देखिए ये तो हो गया, लेकिन आगे सब सही हो जाएगा। इकोनॉमी और बाजार में फर्क है, इकोनॉमी में रिसेशन नहीं है, आई स्टिल टेल यू इकोनॉमी इज वन वे लाइक दिस, आप निकालो आप 1947 से निकालो, ऐसे ही है पूरा का पूरा, 1 साल कोई 2002 या ऐसा कुछ में स्टॉपेज होगा, वो भी ऐसा ऐसा नहीं हुआ कभी, इकोनॉमी इज गॉन लाइक दिस, प्रॉब्लम इज विद द मार्केट्स, मार्केट एक मार्केट्स लाइन में सर नहीं नहीं जाती। चलती है। मार्केट देखिए 2020 में क्या किया, मार्केट ने 40-50% पहले तो गिरा दिया कोविड के नाम से, फरवरी में ऑल टाइम हाई था 12,000-13,000 का, और मार्च में मार्च 20 को आपका 7,500-8,000, मोदी जी ने अनाउंस किया लॉकडाउन, दैट वाज द बॉटम ऑफ द मार्केट, और अगले एक साल में क्या हुआ 17,000 का इंडेक्स, तो आपका 85-90% रिटर्न, इधर 40% गिरा एक साल पहले मतलब 6 महीना पहले, और इधर 40-70 पता नहीं ऐसा कुछ नंबर है, क्रेजी नंबर है, तो क्या ये प्रॉब्लम ही तो मार्केट है, बिकॉज मार्केट मूव्स विद ग्रीड एंड फियर,
इकोनॉमी डजंट मूव इन ग्रीड एंड फियर, इकोनॉमी एक सन्नाटा चल रहा है 5-6%, 4 हो जाता 5 हो जाता, बट इट्स वन एंड अप एंड अप। तो आप इस ग्रीड और फियर को कैसे हैंडल किया आपने? यही है, उसमें क्या पेशेंस है, आपने अपनी खुद की एक्सपीरियंस। हाँ मैं बता रहा हूँ अपना कैरेक्टर। आपके तो टावर में जाते हैं तो बड़ी सी टीवी स्क्रीन पे सेंसेक्स ऊपर नीचे, आप तो रहते हैं इस माहौल में, रहते हैं माहौल में रहते हैं कि आपके सारे एम्प्लॉयज आपकी सारी कंपनी उसी में है, तो आप अपने आप को इससे कैसे। सो मैं आपको कहानी बताता हूँ। सो मैंने चालू किया जीरो से, कभी 1990 मेंबरशिप लिए, हमारे पास कुछ पैसे थे, सो बट आई वाज अ वोरशियस इन्वेस्टर, वोरशियस इन्वेस्टर लाइक वॉरेन के सामने मैं शेयर करता हूँ, ब्रोकर जाने के पहले शेयर, बट आई नेवर डिड वन स्पेकुलेशन द होल लाइफ। 100 रुपए था मैंने 101 का शेयर कभी खरीदा नहीं, 99.5 का ही खरीदा हूँ। लेकिन हुआ क्या, हर्षद मेहता बुल रन हुआ। अब देखिए ग्रीड कैसा होता है, हर्षद मेहता बुल रन 19 महीने बाजार 7 गुना बढ़ा, 600 वाला इंडेक्स हुआ 4200 या 700 वाला 4200, 6 गुना बढ़ा, हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ हो वरना होगा। ओके हमने बनाया 30 करोड़, जीरो से 30 करोड़, समझे 1 करोड़ से 30%, 1 करोड़ नहीं था हमारे पास, देखा नहीं था हमने करोड़, 30 करोड़ कोलैप्स हुआ 10 करोड़, मतलब कितना ड्रॉडाउन हुआ 60%। तो अब नजरिए देखो क्या है, आप क्या बोलोगे, हाउ डिड यू फील जब 30 का 10 हुआ तो? मैं तो ये बोल रहा हूँ भैया मेरा तो 1 का 10 हो गया, 1 का 10 हो गया। ओके फिर 10 का ऐसे थोड़ा बहुत मेहनत की, अब बोला हमको भगा नहीं सकता, वाई टू के बुमा सॉफ्टवेयर, हमको डिफरेंस नहीं होता सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, डिफरेंस नहीं होता, और वाई टू के बुक उसमें बहुत पैसे बने, तो 10 करोड़ का हुआ 100 करोड़, वापस कोलैप्स, वाई टू के बस्ट हुआ, 100 करोड़ 30 करोड़, यार ये तो कुछ पता ही नहीं, 10 साल बाद फिर वही पहुंच गया वापस। फिर हम थोड़ा रिजेक्टेड थे, 1-2 महीना काटा भी हुआ, फिर उसके बाद जो है मदर ऑफ ऑल द बुल रन्स 2003-2008 ग्लोबल के बाद जो लिक्विडिटी आई, उसका जो ग्लोबल लिक्विडिटी व्हिच एंडेड अप इन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2000, वी वेंट फ्रॉम 30 करोड़ टू 550 करोड़, दिस आई एम टॉकिंग पर्सनल पोर्टफोलियो, कंपनी क्लियर दी, अगेन इट कोलैप्स टू 220। अब मैं बोला ये तो हर बार की कहानी है, साथ साथ आई शुड ऑलवेज बी रेडी टू सी 60-70% डाउन। तो 2019 में जस्ट बिफोर कोविड आई वॉज टॉकिंग कैनेडा, कैलकुलेटर पे बात करते बोला यार देखो बहुत लंबा हो गया, अब बुलावा आने वाला है, तो समझना पोर्टफोलियो हैड बिकम 1800-1900 करोड़। मैं बोला 10 दिन के अंदर जैसे सुन लिया ऊपर वाले ने, वापस कोलैप्स टू 1200-1100, एंड देन देखते देखते 1 साल के अंदर अगेन इट क्रॉस 1900, एंड नाउ इट हैज बिकम 2500-2600। तो ये क्या है, मैंने देखा है, लेकिन आप बैठे रहो, यदि आप नीचे में डर गए, जो डर गया वो मर गया। अच्छा ये डर जो है ना, आप इकोनॉमी से कनेक्ट मत करो, इकोनॉमी वही है, इकोनॉमी कोई टेंशन नहीं, टेंशन है ग्रीड ऑफ फियर को संभालने। तो वो ग्रीड ऑफ फियर में आप कैसे करें वो बहुत जरूरी है। तो आप कैसे करोगे, आपको डर क्यों लगेगा, क्योंकि आपको समझ है बाजार की, आपको कंपाउंडिंग की समझ है। HDFC बैंक 1 रुपये कम नहीं कमाता, हर साल 17-18 का ऊपर कमाता हो, तो उसके शेयर, लेकिन शेयर का दाम जो है 1000 वाला 500 भी होता है, 1000 वाला 1500 भी होता है, आपको ये समझ भाई देखो। सो मेरा क्या है समझ है, आई हैव रेड अ लॉट अबाउट वैल्यू एंड प्राइस, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट, तो वैल्यू डजंट चेंज, प्राइस चेंजेस। तो मेरे को मालूम है जो खरीदा हूं उसकी कीमत बढ़ती है, जैसे आप घर में बैठे हो, घर का कीमत दे, मान लो आपने 10 करोड़ में घर खरीदा, घर की कीमत कोटेशन 6 हो गया, आपको डर लगता है, आपको नहीं, आप रह रहे हो वहां पर यार, आपको घर है, यू नो योर बॉडी सॉलिड एट 10 करोड़, देखते देखते 2-4-5 साल में वापस 15 हो जाता है, फिर 20 हो जाता है, फिर 30, फिर 100-200 बिकता है। तो आई नो वैल्यू व्हाट आई एम बाइंग, एंड दैट इज व्हाट इज द इन्वेस्टिंग, यू बाय लुकिंग एट द वैल्यू नॉट द प्राइस, प्राइस इज ओनली व्हेन प्राइस इज लोअर देन वैल्यू। अच्छा बाजार कैसी चीज है, जहाँ 10 का चीज 100 में बिकता है और 100 का चीज 10 में मिलता है, आपको पार्किंग होना चाहिए वैल्यू, और शायद भगवान ने मेरे को वो थोड़ा सा पैशन और अंडरस्टैंडिंग दिया है, मैं शुरू से खाली बैलेंस शीट पढ़ता हूँ, माई ओनली पैशन इज टू रीड बैलेंस शीट, एटलीस्ट इन 80s, पहले मैं फिक्शन पढ़ता था, फिर पता नहीं सीए करते करते बैलेंस शीट के चक्कर में आ गया, एंड दैट लेड द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग वैल्यू। और खास बात क्या है, अभी 300 लाख करोड़ का मार्केट होगा, 327 लाख करोड़,
एज ऑफ यस्टरडे, लेकिन अभी भी प्राइस सबको मालूम है, हर चीज का प्राइस मालूम है, वैल्यू किसी को किसी चीज का नहीं मालूम, मैनेजमेंट सबको नहीं मालूम उसका वैल्यू क्या है. तो एज एन एनालिस्ट, एज एन इन्वेस्टर, यू हैव टू डेवलप दैट आर्किटेक्चर, कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड अंडरलाइंग वैल्यू. जिस दिन वो समझ में आ गया, आपको सब चीज से आप ये हो जाओ, मुक्त हो जाओ. और आजकल तो कितने विकल्प भी हो गए रामदेव जी, आपके टाइम में आपने भी जब कंपनी शुरू की, आप एक ब्रोकिंग कंपनी थे, उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट आई, अब म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड से भी आगे दुनिया चली गई, AIF, PMS, सब कुछ. तो विकल्प बहुत है, सिंपलिसिटी बहुत है, बस शुरुआत करने की देर है. आपको शुरुआत करनी चाहिए. दूसरा ये कि आप समझे, सिर्फ समझ से काम होता है. आप हवाई जहाज में बैठते हो, कोई रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन इतना सेफ है. मेरे को हवाई जहाज में बैठा ऐसा लगता है, बाइंग इक्विटीज फॉर मी फ्लाइंग. जितना आपको सेफ फ्लाइंग में फील होता है, ऐसा मेरे को इक्विटी में फील होता है. इंडिया इक्विटीज, आई एम नॉट टॉकिंग अदर इक्विटीज का स्टोरी जो है, दूसरी कंट्री की स्टोरी अलग हो गई. हम यहाँ के हैं तो यहाँ की बात कर सकते हैं. हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव जी आने के लिए, और जब भी आपसे बात करता हूँ लगता है कि ये चर्चा चलती रहे. लेकिन इतना लिसनर्स को जरूर कहूंगा कि ये मेरा आपसे वादा है कि रामदेव जी ने जो भी अपने 40 साल में अचीव किया है, हर साल एक बहुत बेहतरीन रिपोर्ट भी निकालते हैं ये, कोशिश पूरी करूंगा कि जितनी भी ये बातें आप तक लाता रहूं, ये कोशिश जरूर करूंगा. ये एक हीरा है नॉलेज का और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का. हम ग्लोबल एक्सपर्ट्स की बहुत तारीफ करते हैं, हमारे यहाँ खुद ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने 40-42 साल से प्रैक्टिकली पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझी है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामदेव जी आने के लिए.